दोस्तों, दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना किस चीज़ का संकेत है? हिंदू धर्म में इसे क्या माना जाता है? आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। सनातन धर्म में पूजा पाठ करते समय दीपक जलाया जाता है। इस दौरान कई बार दीपक की बत्ती पूरी तरह जल जाती है। घर में पूजा के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होने लगते हैं और भक्त को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। पूजा पाठ में घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई बार बीच में ही अचानक से दीपक बुझ जाता है और कई बार पूरी बत्ती जल जाती है। कई बार दीपक को जलाने के बाद पूरी बत्ती जल जाती है। इसका मतलब आपकी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है और शत्रु से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर दीपक जलाने के बाद बत्ती पूरी तरह से जल जाती है तो समझ जाइए कि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। यह जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको दूर होने का संकेत दे रहा है और आप हर तरह की मुश्किलों से दूर होने वाले हैं। कई बार दीपक जलाने के बाद लो में फूल बनने लगता है। इसका मतलब पूजा भगवान तक पहुँच रही है और भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे लोगों को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है और जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। घर में दीपक जलाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक को ऐसे रखें ताकि लो जो है वो पूर्व दिशा की ओर रहे। इससे आयु में वृद्धि होती है। तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई इसी तरह की और बातों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।